हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनिया बास्पोटिपल वन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो मैं भी ठीक हूँ, और अभी कुछ देर पहले ही शूट करके उठी हूँ। एंड आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियोस मिल गए होंगे। दो वीडियोस मैंने अभी कुछ एक आध घंटे पहले ही मैंने अपलोड किया है, शॉर्ट वीडियो डांसिंग के। तो खूब सारा प्यार और आशीर्वाद उसमें दीजिएगा, और भी कुछ शाम को मैं डालूँगी, अपलोड करूँगी। सो फ्रेंड्स, कमिंग टू द पॉइंट, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि कल आप लोगों ने मेरे कम्युनिटी पोस्ट देखे होंगे, कम्युनिटी पोस्ट मैंने किया था, और आप लोगों को पता ही है कि यूट्यूब फैमिली में आज मेरी 6 लाख सब्सक्राइबर्स यानी कि 600K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और ये मेरे लिए एक ऐसा सपना है जो मैंने कभी देखा ही नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं YouTube पे कभी आऊँगी, सोशल मीडिया पे आऊँगी, और इतनी बड़ी फैमिली मेरी होगी, कभी इतने प्यार करने वाले लोग होंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। पर आज मैं आप सभी को थैंक यू बोलने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, आप सभी को, जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप सभी को मेरी तरफ से दिल से बहुत 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 सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया। यूट्यूब पे मैं एक बार फिर से वो स्टोरी आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे मेरा आने का कोई भी दूर दूर तक कोई सपना नहीं था। मैं बस ऐसे शौक के लिए, इंजॉयमेंट के लिए मैं इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो डाला करती थी। फिर इंस्टाग्राम के लोग, जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, सब ने मुझे कहा कि यूट्यूब पे आप डालो, यूट्यूब पे आप डालो। तो यूट्यूब का मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था, पर मैं ऐसे ही यूट्यूब पे एवी डाला करती थी वीडियो। तो सारे के सारे वीडियो मेरे 2 महीने के अंदर ही इतने वायरल हो गए कि मैं खुद शॉक्ड हो गई कि मेरे वीडियोज़ इतने वायरल हो गए कि देश विदेशों में लोग देख रहे हैं। मेरी एक वीडियो आई थी कॉलेज की लड़कियों वाला, ए मेरी नटखट्टी, वहाँ से ये वीडियो का सिलसिला स्टार्ट हो गया। वहाँ वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि अभी भी इंटरनेशनल लेवल तक चल रहा है वो वीडियो। उस वीडियो ने फेसबुक से लेके, यूट्यूब से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, मौज से लेके हर जगह धमाल मचा रखा था। और धीरे 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 वक्त बीतता गया। उसके बाद मुझे इन सब चीज़ों का मेथड नहीं पता था कि यूट्यूब पे मुझे कैसे वीडियो डालना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ। फिर मुझे मेरे भाई ने मुझे बताया, जिसका नाम है विशाल, जो मेरा चैनल मैनेजर भी एक तरीके से कहूँगी कि मेरा चैनल मैनेज करता है। तो उसने मुझे ये रास्ता दिखाया, और वही वो इंसान है जिसने मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा किया। सो थैंक यू सो मच विशाल। और साथ ही साथ वीडियो बनाने का उपदेश जो हमेशा से मुझे मिला है, हमेशा से पहली बार, फर्स्ट टाइम मुझे इसका सजेशन मेरी सिस्टर ने दिया था, अनीता वासपुर ने, तो थैंक यू अनीता। उसके बाद आप सभी का प्यार। मैं अगर मैं कहूँ तो कुल मिला के बात एक ही है कि आज इतनी बड़ी फैमिली मेरी कंप्लीट हुई है, तो उसमें सिर्फ मेरी मेहनत और मेरा टैलेंट ही नहीं है, इसमें आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट भी है, जिसके वजह से मैं इतनी आगे बढ़ पाई हूँ। माता रानी की दुआ रही, आप लोगों का यूं ही प्यार और आशीर्वाद चलता रहा, तो एक दिन मेरी आईडी मिलियन पे जाके पहुँचेगी, मेरी भी यूट्यूब फैमिली मिलियन पे होगी, होगी ना फ्रेंड्स? आप लोग करेंगे ना इतना सपोर्ट? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए ये वीडियो मैं यहीं करती हूँ। थैंक सॉरी फ्रेंड्स, उस वक्त मैं अपनी वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई थी, क्योंकि जहाँ मैं वीडियो शूट कर रही थी वहीं पे कुछ लोग आ गए थे वैसे ड्रिंक विंक करने के लिए, तो मैं वापस अपने घर को लौट आई थी। तो अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ वीडियो। तो मैं ये कह रही थी कि वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ। जब मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, मैं तभी मैं सेलिब्रेशन करना चाहती थी, केक वेक कट करना चाहती थी,
बट कुछ ना कुछ दिक्कतें आती गई कि मुझे वो उस प्रोग्राम को पोस्टपोन करते रहना पड़ा। और अभी भी ये है कि मैं सावन महीना का पालन कर रही हूँ। सावन महीने में मैं, आप लोगों को पता ही है कि मैं नॉन वेज वगैरह और इनफैक्ट लहसुन प्याज इन सब चीज़ों को मैंने त्याग किया है। तो अभी 59 दिनों का सावन है, तो अभी कोई सेलिब्रेशन इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। एक बार ये सावन बीत जाए, सावन बीतने के बाद फिर एक सेलिब्रेशन करूँगी मैं, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करूँगी। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है तो उसके लिए भी एक अच्छा सा ब्लॉग आएगा। तो अभी बस आप लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए, आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जितने भी मुझसे बड़े यहाँ पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों के सामने तो नहीं है, दूर से ही प्रणाम करती हूँ आप लोगों को। और जो भी छोटे हैं मुझसे, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपना खूब सारा प्यार ऐसे ही आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, हर हर महादेव, बाय बाय।